हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो। दिस इज योर वेरी ओन आरजे साकिब रजा। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जीत का जोश नशरियात में आपको। मैं हूँ साकिब रजा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी साकिब रजा, साकिब रजा कहने से मुझे लुत्फ आ जाता है। बस कर दो यार साकिब। अरे चप्पू भी तो है यार। अरे चप्पू भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई जान, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो, मजे में हो? हाँ जी, सलाम अलैकुम भाई जान। मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अब सही है भाई जान, टोपी उतार दो। नहीं टोपी पहने रखे। अच्छा तो टोपी पहने रखता हूँ, लोगों को मत पहना। हाँ मैं बस दो तीन दिनों से ना बेअदबों की तरह आके बस बातचीत शुरू कर देता था, तो मैंने इसलिए कहा आज मैंने आपको पूरा सलाम कर दिया। ठीक है भाई जान। थैंक यू चप्पू भाई, थैंक यू, आपका बेहद शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश की आपने आज प्रॉपर सलाम दिया। मेरी छोटी नवाजिश है भाई, बेटी का नाम छोटी, छोटी का नाम नवाजिश। अच्छा, नवाजिश की बहन एक और हमारे साथ मौजूद है, एसना। एसना कैसी है भाई? क्या ये सस्ती कॉमेडी कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपके दिलों की जान अहसन इकबाल। ये मुझे पता नहीं क्या बना के रख देता है फौरन से। मतलब कॉमेडी करो ठीक है, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कॉमेडी का। सस्ती कर सकते हैं ना, पैसे थोड़े मिल रहे हैं ना, जितने पैसे मिलेंगे उतनी जिसका कॉमेडी काम है उसको करने दो। चप्पू भाई कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल पाकिस्तानी टीम वाले काम कर रहे हैं, उनको भेजते हैं क्रिकेट खेलने, वो जाके अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, वो यूएसए एंजॉय करते हैं। ये अजीब, मतलब मीट एंड ग्रीट करते हैं, बर्गर खाते हैं, बर्गर बर्गर और बस 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 ठीक है ठीक है, सब नहीं पता नहीं था, बर्गर भी पहले कभी बंद कबाब था। क्या बात है। अच्छा जनाब, बेहतरीन सा वर्ल्ड कप चल रहा है अब तो माशाल्लाह, चार टीमें फाइनल हो चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। क्या क्या जुमला है ना, चार टीमें फाइनल हो चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। वेरी गुड। वेल जनाब, अफगानिस्तान की टीम पहुंच गई है, हमारे तमाम लिस्टर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, इंक्लूडिंग हमारे मुसलमान भाई, इंक्लूडिंग चप्पू अंकल, इंक्लूडिंग हमारे तलहा नजूमी साहब, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का पत्ता साफ करते हुए सेमीफाइनल तक जा चुकी है। आप में से जिस जिसको इस हवाले से खुशी हुई है आप बता सकते हैं कैसे। बिल्कुल वैसे ही 0330-8600-072 और facebook.com/nexabainstitute के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि आपको अफगानिस्तान का फाइनल नहीं सेमीफाइनल में पहुंचना कैसा लग रहा है। और फाइनल में भी पहुंचेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत इजीली ये मैच जीत जाएगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आराम से फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि लग रहा है कि फाइनल में जा रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो टीम है, जगह मेरा जो है ना ये गाफ भी खराब होता जा रहा है इतना बोल बोल के। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, फाइनल में जाने का इम्कान उनका बहुत ज्यादा खुल गया है। चलो ये देखो भाई, ये एसन भाई किसी बख्तियार से बात कर रहे हैं, इसको देखो क्या कहते हैं। मतलब हम नहीं जीत सके तो वो भी नहीं जीत सके। फिलहाल तो इस वक्त सूरत हाल और तमाम चीजें यही चीज सबूत, बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज थी, मेरे ख्याल से बारिश का बहुत बड़ा किरदार था, वरना कुछ ना कुछ नतीजे निकल जाते हमारे। 4-0 हो सकते थे हम। वेल जनाब, अच्छा अब आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इन चारों में से वर्ल्ड कप के लिए? इन चारों में से जिस वक्त अफगानिस्तान आई थिंक डिजर्व करती है, लेकिन अभी देखें साउथ अफ्रीका के साथ उसका मैच किस तरीके से होता है, क्योंकि इस पर जो उनकी फॉर्म है बॉलर्स की प्लस बैट्समैन ने आज इतना बेहतरीन तो कोई कारनामा नहीं अंजाम दे पाए बिकॉज ऑफ स्लो विकेट्स। तो ये उनका टॉप ऑर्डर खैर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरन के साथ ओपनिंग जोड़ी उनकी, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर। आई थिंक साउथ अफ्रीका उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में। हाँ इस पर फेवरेट, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी सेमीफाइनल से आगे सिर्फ अपनी नहीं जा सकी, बिकॉज उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो उनको नहीं हैंडल कर पाते उनके प्लेयर्स। और अगर पहुंच भी आता तो फाइनल में भी जाके वो चौक कर जाते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल ना हो, वरना बहुत से लोग वैसे ही नहीं देखेंगे। और नहीं, इसके अलावा ये भी है कि इंडिया और अफगानिस्तान में से अफगानिस्तान पता नहीं, अच्छा एक बात मैं नोट करता हूँ, अफगानिस्तान का जो एक एग्रेशन हमारे खिलाफ देखने को मिलता है वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये एक सैड साइन है अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए, वो इतने प्रेडिक्टेबल हो गए इंडिया के साथ खेलते हुए कि कोई भी उनका मैच देखने से पहले बता देता है कि आज के मैच में अफगानिस्तान की तरफ से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। तो आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? बहुत से लोग इसका रीज़न आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स बताते हैं, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बताते हैं, क्योंकि एक जितने भी प्लेयर्स हैं चाहे वो टीम में भी ना खेलते हों उनके आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद ये एक बहुत सैड साइड है। बहुत सैडली मैं ये कह रहा हूं, ऐसे क्रिकेट में होना नहीं चाहिए। अपनी नेशन के लिए जब आप खेल रहे तो आपको ये अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं सामने रखने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है।
तो इस हिसाब से दरअसल नवीर अहमद फिर PSL भी खेलते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? हाँ लेकिन जो लोग नजर आ रहे हैं, हम तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, जजमेंट तो नहीं दे रहे, जो हम एक हिस्ट्री देखते आ रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया के मैचेस की, उसको सामने रखते हुए हम एक नतीजा निकाल रहे हैं। मे भी ऐसा ना हो इस हिसाब वैसे क्योंकि इस पर जिस तरह की वो अपने कंट्री के लिए परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सर उन्होंने क्रिकेट तो फिर हमसे सीखी है, तो हमारे वाला वो इतना एग्रेशन में क्यों रहता है? हाँ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट इंडिया उनकी जो परफॉर्मेंस है, वरना तो अपनी कंट्री के लिए बहुत लॉयल होकर खेलते हैं और बहुत इन्जॉय भी देते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, हर प्लेयर की एक एक जो है फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा बख्तियार आप मौजूद हैं, आप माशाल्लाह ऐसा तबसरा देते हैं, आप ऐसा तजिया देते हैं क्रिकेट के ऊपर कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि आपके पास ये मतलब इतनी नॉलेज कैसे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस वक्त काफ़ी ज़ेरे बहस हैं बाबर आजम एज कप्तान, तो उनको काफी पहले ही लोगों ने कह दिया था कि उनकी को कहीं ना कहीं से बाबर आजम लाने हैं। हाँ भाई ये तो इंटीग्रल पार्ट है भाई, बेहतरीन हो गया मुख्तार शाह का, मुझे पता था ये जो है ना कुछ भी इस तरह बोलेंगे। तो बहरहाल बाबर आजम बहुत ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एज कप्तान तो पहले ही काफी लोगों ने कह दिया था कि काफ़ी पहले ही लोगों ने कह दिया था कि बाबर आजम जो है कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन अब लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है कि T20 का प्लेयर नहीं है बाबर आजम। तो क्या आपको लगता है कि T20 के प्लेयर नहीं है बाबर आजम, या अभी परफॉर्म में नहीं है तो इसलिए ऐसा हो रहा है? मेरा ख्याल बाबर आजम को मेरे ख्याल ODI और टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें उनको कैरी ऑन करना भी चाहिए। और जो हमारे बेसिकली हमारे साथ इश्यू ये है कि हम लोग अपने बेंच स्ट्रेंथ को उस तरीके से मौका नहीं देते जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल ऐसा है कि अभी बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को तो बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए T20 से, वो बिल्कुल ही बेसिकली मोहम्मद रिजवान का जो एक इशू है, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब उसको लगता है भाई कि मेरी 50 होने वाली है, सेंचुरी स्कोर करने वाला हूँ, तो वो ये नहीं देखता कि टारगेट कितना है, रन रेट जाए साइड में, वो अपनी 50 और सेंचुरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। तो रिजवान को तो नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को आप रखें उसमें अपने टीम में, और उसके गिर्द उसके सराउंडिंग में आप पूरी अपनी T20 की एक नई टीम को डेवलप करें, क्योंकि अभी वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आपको याद है 2016 में जब उमर अकमल, अहमद शहजाद ये लोग हुआ करते थे, इनकी परफॉर्मेंसेस में डाउनफॉल आया, और उस वक्त भी इनकी जो प्रायोरिटीज थी वो लीड्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह होनी शुरू हुई थी, तो आपने पूरी यंग टीम को चांस दिया, उसमें फखर जमान थे, तो आपको 2017 में उसका रिजल्ट मिले, बहुत अच्छी बात। तो आपको फिर इस तरह का एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि 2025 में फिर आप होस्ट है ये सर बाबर की कप्तानी में, आप खुद मेजबान हो पहले राउंड से, आप खुद बाहर। यानी आप बड़ा गोल लेके सामने बैठे हैं, 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपकी नज़र में है। चलें बेहतरीन हो गया बख्तियार, जबरदस्त हो गया, हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ कहना चाहें तो लास्ट में? बेहतरीन ट्रांसमिशन है, मैंने तो काफ़ी पहले साकिब से कहा था कि मैं आऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, आज फाइनली आ गया, तो बेहतरीन है, आप बेहतरीन हो गया। चलें जबरदस्त, आप टूर्नामेंट की पीक पे आए हैं, इसके बाद फिर सेमीफाइनल्स और देन फाइनल है, तो मे भी आपकी जो लास्ट ट्रांसमिशन में आपकी शिरकत जो है वह मामूल पर रहेगी। बहुत शुक्रिया बख्तियार, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज। अबे यार तुम लोग समझ नहीं आती क्या करते हो, जब भी जाते हो ना कुछ अलग कर लेते हो, मतलब किसी को कुछ बोला, अब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब ये कॉलर कहाँ से आ गए थे, मैं कहाँ था यार, आप नहीं थे, हम क्या करें, तो उसको मैं खुद कॉल करता ना, मेरे पास पैसा बहुत है यार। नहीं अच्छा मैं भी एक बंदा घिर के लाया, बल्कि बंदा नहीं बंदी है, बंदी है। हाँ ये खुदतुलैन खाली रैन का नाम, ठीक है, ये बस टॉफी वाली सरकार, हाँ टॉफी वाली सरकार, टॉफी वाली सरकार, आप आगे आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, थोड़ी सी घबरा रही हैं आप क्या? जी नहीं नहीं नहीं, इतने बिल्कुल नहीं घबरा रही, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, दो दिन से मैं रो रही हूँ। कौन से दुख है जो खुशी के जरिए निकल रहे? मेरे आंसू गिर गिर के अब खुशी में बदल गए, अब हंसी आ गई, रो रो के अब हंसी आ गई। उसको खुशी नहीं कहते, उसको खुशकी कहते हैं। अच्छा अच्छा खुशकी हो गई, अब खुशकी हो गई। अच्छा ये बताएं, गर्मी में खुशकी बहुत हो गई। हाँ ये बताएं, आपने वर्ल्ड कप को फॉलो तो नहीं किया ना?
करने जैसा था भी नहीं ना। तो यही मैं पूछ रहा था ना, नहीं क्या ना, तो निकलना भी नहीं चाहिए था ना, टाइम वेस्ट थोड़ी करते हैं। हाँ अब देखे, लेकिन यहाँ पे हम ना अपने मुसलमान जो है ना फीलिंग्स उनको जगाएंगे। अब कोई नहीं, मसला नहीं है, हमारे मुसलमान भाई तो सेमीफाइनल में पहुँचे ना। सेमीफाइनल में पहुँच गए हमारे मुसलमान भाई। हाँ ना, अफगानिस्तान पहुँचा है ना, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई तो नहीं पहुँचे ना। तो मुसलमान भाई तो पहुँचे ना, तो पाकिस्तानी भाई क्यों नहीं पहुँचे? तो पाकिस्तानी से पहले मुसलमान है ना हम लोग। हर दफा पाकिस्तानी भाई हमारे जो है वो फाइनल में पहुँचते थे, और इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं। उनका पेट्रोल, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। इनका पेट्रोल, अल्लाह खैर करे। बाजी आहिस्ता, ये आर पास के दरों दीवार टूट जाएंगे, कांच के बने में नहीं करें। अपने जैसे ड्रामे लाते हैं आप भी यार। यार ये मैं तो मैं बस बस बाजी बस हमारी तो हमारी ले ले, वरना तो हम गए। हाँ नहीं नहीं, अच्छा लिसनर्स, नहीं नहीं लिसनर्स, ये इनको मैं चुप कराता हूँ, इनको मैं लॉलीपॉप देता हूँ। आप सुन रहे हैं जीत का जोश, साकिब रजा आपके साथ है। जीत का जोश लिए नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं इस वक्त हमें बराहे रास जनाबे आली जनाब चप्पू भाई के साथ। चप्पू भाई जैसे ही लोग आ जाते हैं हमारी ट्रांसमिशन में, और पता नहीं फिर क्या से क्या हो जाता है, ऐसा इकबाल जैसे लोग मैं तो लेकर आता हूँ हमेशा, जो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, जो आपके दिल जीतते हैं। लेकिन ये चप्पू भाई ना पता नहीं कैसे कैसे लोग ले आते हैं। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है जनाब, ट्रांसमिशन जो है अपने 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 आखिरी मराहल में दाखिल होती जा रही है, जैसे जैसे वर्ल्ड कप अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। साकिब तुम जो है ना वो दुखी दिल वालों को समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली हमारी जो क्रिकेट नेशन है ना, ये ऐसी है। यहाँ 2011 मुझे बहुत याद आया, इस साल तकरीबन वही सब कुछ हम देखने को जो है वो एक तरफ से मतलब तरस रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरह से दोबारा से रिएक्शनरी एक साइकोलॉजी डेवलप हो क्रिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग हार तो रहे थे लेकिन कोई किसी का रिएक्शन नहीं आ रहा था, और अभी जो हाँ फील नहीं हो रहा था बिल्कुल, और अभी जो रिएक्शन आया ना मज़ा ही आ गया यार। लेकिन अफसोस भी हुआ, वो जो खातून थी वो आकर इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी बेचारी, क्या पता उनके और कितने मामला तो, लेकिन सब क्रिकेट पर डाल दिया उन्होंने। बहरहाल हमारे साथ तलहा इनाम भी मौजूद हैं, और मौजूद क्या ये हमेशा लेट हमेशा देर कर देता हूँ मैं वाली पॉलिसी इनकी। तो तलहा इनाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार बस इसी वजह से नहीं आ रहा था, और मैं आया हूँ जैसे तो चप्पू भाई आ गए। ये चप्पू भाई आप बगैर बताए चले जाते हैं, आपको इतनी इमरजेंसी आती है कि आप बता भी नहीं पाते क्या? अबे पैसा बहुत है ना, तो पैसे भी आ जाता है, तो मतलब थोड़ा बहुत बंदा बता दे यार, मैं जा रहा हूँ संभाल लेना। पैसा रिसीव करने ना जाऊँ? नहीं रिसीव करने क्या, इधर नोटिफिकेशन तो मोबाइल पे आता है, कंटेनर पैसों का, पैसों का ही आता है कंटेनर, हम क्या लूट के लाते हैं? गड्डियाँ क्या धने की गड्डियाँ आती हैं, धनी वो देने वाली आती होंगी ना। क्या हुआ चप्पू भाई? बताना नहीं किसी को। चप्पू भाई ने ब्रेकिंग न्यूज बता दी, और वो कह रहे बताना नहीं किसी को। असल में मेरे पास था मनी प्लांट के खेत है, उसकी गड्डियाँ आती हैं। हाँ, तो बना के बेचता हूँ। जी जी साकिब बस ठीक है ठीक है, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया बस। सौ बात सुनो ना, अब आखिरी आखिरी दिन है ना, तो मैं अपने राजपूती खोल लेता हूँ, 100 रुपए का एक पौधा बिकता है। पौधा अभी तो लड़िया आ रही थी, पौधा बिक रहा है हमारे लिस्टर्स ने खरीदना हो तो फिर वही 0330860072 पर आपका करें। क्या बात है, मैंने देखो जुगाड़, आपके पास पैसा बहुत है, हमारे पास स्मार्टनेस बहुत है, चलें हम आगे चलते हैं। आगे क्या मतलब, मैं आया था इसलिए कि कल बात हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, कौन जीतेगा यार, बहुत मजे का मैच हुआ था। बस रुक जाओ ना, तुम ऐसे आते हो, मैं आया इसलिए था ना, तुम आए, तुम आते इसलिए हो कि तुम थोड़ा सा बोलते हो और बाकी उसके बाद कोई और बोलता है। पेशेंट कोई ये काम वाम कुछ करता नहीं है, वो बोलता मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया, आखिर में बोलता है। नजूमी बने थे ना आप? हां कल मैंने पेशेंट कोई की। अरे भाई नजूमी साहब तो ले गए बाजी। बाबा जी कोई वो नहीं लगा। अरे बाबा जी बताओ, पैसे वैसे नहीं मिलना सही जवाब। बाबा जी बताओ मेरी पांचवी कब होगी? मैं तो इसलिए आया था। कस्टमर आ गए और क्या चाहिए? बाबा जी मेरी किससे शादी होगी? बेटे लड़की से होगी, तू फिक्र नहीं कर। कंफर्म है बेटा? अभी देखना पड़ेगा, कहीं आपने हाथ धो के कहीं मिटा तो नहीं लगी रहा हाथ से शादी वाली? नहीं इत्तेफाक से वैसे नहीं, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। हाँ इसकी लेकिन हम लड़की से ही करवाएंगे, इसकी लड़के से नहीं करा सकते। अच्छा अलाउड नहीं है, पता नहीं हमारी मानेगा भी कि नहीं। हाँ ये भी सही है। मैं नहीं मानने वाला आप। देखा इसको गंदी नहीं लड़की से, इसको मुझे अपनी लड़की से। ओह माय गॉड,
बाबा जी आप कुछ बोले, बाबा जी आप कहना हो कि बाबा जी शर्मा गए, बोले मेरी अपनी नहीं हो रही, तखलिया बाबा जी कह रहे मेरी अपनी नहीं हो रही, मैं इनको क्या बाबा जी चखलिया तुम निकल लो। वेल जनाब भाई मैं चाह रहा हूं यार, क्यों चाह रहे हो आप? नहीं आप वो कौन जो चाह रहे हो, अब वो कौन कौन हो यार? आप हमारे होस्ट हो यार, आ जाओ बोलो बोलो, ये करने के लिए दे दो इनको एक चाय तो सारा है। अच्छा मैं चाहता हूँ चप्पू भाई के हमरा ना एक टीन डब्बे वाला भी होता है, तो आज नहीं वो हमारी मेहमान जो हिमरा आती है वो बिलो ये लो ये कहाँ से कहाँ ले गए। अच्छा तो मैं चाहता हूँ चप्पू भाई के हमरा जो है ना तीन डब्बे वाला आता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो तीन डब्बे वाला कहाँ है चप्पू भाई? ये हमरा कौन है पहले ये बताओ। चप्पू भाई वही रुक गए, ये जुमी भाई मुझे बताओ ये हमरा कौन है? ये मेरी नहीं है बिल्कुल भी, जुमी भाई बताओ, शर्माओ नहीं। शनि मंगल के साथ घूम रहा था उधर, किसी को देखा था इन्होंने, ये सितारों के हाल। तो राहुल किसके पास था, केतु के साथ था? राहुल केतु ये सब पिकनिक मनाए तो ये राइट पड़ जाएगा, ये बातें नहीं करो। भाई तीन डब्बे वाला लाए आप, अबे मतलब ये कौन है? कभी ये कोई फरमाइशी करता है, कभी वो फलानी आवाज निकाल के दिखाओ, कभी कभी ये आवाज निकाल के दिखाओ। अबे भाई के मेरे को पैसे देते लग से, पैसे आपके पास इतने यार आप हमें दिया करें। मैंने आज बता तो दिया भाई। अच्छा सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, भरम रख ले भाई का यार, मनी प्लांट की रख लिया, रख लिया यार, गर्म गर्म रख लिया। आप आगे बताएं वो सुना। हां तो बताओ मैं कौन हूं यार? तीन डब्बे वाला सुनाओ। अबे फिर वही बात, चलो बे चप्पू भाई 1 2 3 गूगले ए यूट्यूब ले ले, डिजिटल अबे जस्टिस की फेसबुक ले ले, गड्डी है फेसबुक की, डिजिटल तीन डब्बे वाला, आलमाल इंस्टाग्राम, आलमाल इंस्टाग्राम। क्या बात है भाई, क्या बात है, चप्पू बेहतरीन, बेचना तो चप्पू भाई को आता है। चलो भाई बेच दे पाकिस्तानी टीम को। नहीं नहीं चप्पू भाई अभी अबे किसी काम की नहीं, अरे अगले साल काम आ जाएगी, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस आएंगे सारे। अब आज हम सुन रहे थे ना स्टैंड अप, वो जब वो चैंपियंस, हाँ ये ना ये कर, अगले साल काम आएगी टीम। अच्छा नजुमी भाई आप एक काम करो यार, मैं बात करता हूँ पीसीबी से, ठीक है वो आपको सिलेक्टर रख लेते हैं, ठीक है आप हाथ दाग देख के ना जिसके हाथ में सेंचुरी हो ना उसको टीम में रख देना। सेंचुरी उसको रख दूँ एक, हाँ हाथ हो ना हाँ वो देखो ये शर्त नहीं है, सेंचुरी होनी चाहिए बस, हाथ में सेंचुरी होनी चाहिए। अगर एक आधा ही निकला तो फिर 11 कैसे पूरे करेंगे, कैसे पूरे पूरी दुनिया में चप्पू भाई करवाएंगे तो बस पीएसएल में जैसे होते हैं ना पूरे, हाँ दो इधर से तीन इधर से, हाँ चप्पू भाई क्या बात है आप। और मेरी बात सुनो, हमारे साथ बैठ बैठ के सुनो, एक्सपर्ट हो गए। सुनो मेरी बात सुनो, अगर गलती से गेल आ गया ना गेल, उसके डेंटिंग पेंटिंग करके बना देंगे फारूक बना देंगे, ठीक है भाई बिल्कुल सही है। चप्पू भाई के पास पैसा बहुत है, चप्पू भाई कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन सा था डेविन, डेविन पता क्या नाम बता रहे थे आप, कौन सा डेविड, कल टीम डेविड से खेला ही नहीं गया यार उसको, वही 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 बात सुनो ना, हमारे पास पता टेलर भी है, हाँ टेलर को ना हम कपड़े सीने पे लगा देंगे, सब क्रिकेट वालों की ना वर्दियाँ सिएगा। अरे टेलर इतना अच्छा खेलता है उसको, अबे टेलर खेलता है, हाँ यही तो मसला है, हमारा वाला तो नहीं खेलता, वो जो मोहल्ले की टीम होती है ना टेलर तो खेलता है। अच्छा बात सुनो चप्पू भाई, बात सुनो, वो जो मोहल्ले की टीम होती है टेलर भी खेलता है, धोबी भी खेलता है, ये वो वाली टीम है। अच्छा अच्छा बोल है, हाँ बात सुनो, मैंने क्या बताया गेल को बना देंगे फारूक, डेंटिंग पेंटिंग करके टेलर को बनाएंगे हम लोग अली असगर, अली असगर सही है, हम इंटरनेशनल टीम बनाएंगे, और फिर एक को रखेंगे जी शहजाद मसीह, हम बोलेंगे जी भाई माइनॉरिटीज की भी हिस्सा हमारे पास, हाँ कोटा है कोटा, और दो डाल देंगे उसमें अंधाधुन खिलाड़ी, क्या बात है ये डिसेबल कोटे पे आ जाएंगे, एक को कीपर रखेंगे, नहीं एक को एम्पायर रखना भाई, अंधे को एम्पायर, अंधाधुन वाइट है भाई, अभी कौन सा देख के कर रहे हो ये बात, क्या बात है भाई चप्पू भाई, बेहतरीन हो गया कल को कम से कम, ये तो क्लियर, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक धोबी भी खेल रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो ना, कल को अफगानिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, वो आपको ले गए थे, बता दो ख्याल, बता दो, रुक जाओ चप्पू भाई, रुके कैसे 50 हो गए 10 मिनट रह गए यार, मेरे भाई है यार चुप जो, वो ससुराली मेरे, अच्छा वो अभी दो दिन पहले हुए जब हवाले हुए, देख लें दोबारा है ना, दोबारा हवाले हो गए ना, जो निशान पड़े ना वहीं पे लगेंगे दोबारा, एम्पायर जो होते ना वो कल जब हम अंधे रखेंगे ना कल से हम क्लेम कर सकेंगे, हाँ यार ये अंधा है भाई, हाँ इसकी क्यों सुन रहे हो, अंधाधुन तुम एम्पायर पे भरोसा कर रहे हो भाई, तो अंधा एम्पायर है तो उस पर भरोसा नहीं करेंगे क्या? अच्छा बाकी सब भरोसा करेंगे, हाँ भाई चिंपी थी इसमें जीत जाएंगे,
देखो इतने अरसे से जो टीम है वो दुआओं से जीत रही है, चिल्ले काटते हैं जीत जाते हैं, बारिश हो जाती है जीत जाते हैं। ये तो ऐसा भी कर लो, डकलिस लुईस भाई भाई जो है उनका फॉर्मूला लगा दिया। डीएलएस बोला करें आप, डीएलएस डीएलएस पीएलएस डी नहीं नहीं प्लीज, मैं तो प्लीज ही बोल रहा था ना भाई। अरे यार तो उसका फॉर्मूला लगा के जीत जाते हैं, फॉर्मूला लगा के जीत जाते हैं। क्या मतलब है ये, मतलब एक्सेल शीट पे फॉर्मूला लगा के जीत जाते हैं, फील्ड पर तो जीत नहीं सकते ना ये। तो बैटिंग में भी कोई फार्मूला होना चाहिए जीतने का यार, बॉलिंग में फार्मूला होना चाहिए। बस वो डीएलएस का फार्मूला लगाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ मैं बात करता हूँ डीएलएस से ना यार, डीएलएस से मुझे याद आया, कराची में बारिश वारिश क्यों नहीं हो रही यार भाई, यहाँ भी कोई मैच रखवा दो बारिश हो जाएगी फिर डीएलएस भाई से पूछो। बाबा जी मुझे बताओ, आपको ये पता है कि अगले 10 मिनट में आपके साथ क्या होने वाला है? अगले 10 मिनट में ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। नहीं उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है ये पता है आपको? उसके बाद चला हूं मैं। हां उसके बाद मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। ईरान नंबर है भाई, ईरान नंबर है। नहीं नहीं उसके बाद जो होगा मैं बता नहीं सकता। भाई गाना सुना दे यार, ये तो पता नहीं क्या है यार, ये तो जो भी साहब तो दिमाग खराब कर रहे हैं, कोई गाना सुना दे। चलो भाई ये भाई ने फरमाइश कर दी है तो आखिरी गाना चलाते हैं क्योंकि भाई 3:49 हो रहे हैं। अरे सितारों का टाइम देर चल रहा है, नजूमी की डिग्री है मेरे पास, मैथ मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स? मैथ मैथमेटिक्स। अच्छा मुझे बात समझ नहीं आ रही यार, ये तो सितारों का जानता है ना, अभी तो दिन चल रहा है इसको नजर कैसे आ रहे होंगे सितारे? तो दिन में तो नजर आ रहे, कल के सितारे देख के आज बताता है ये रात में ये लेट है। और अगर गलती से सितारे एक्सपायर हो जाए फिर क्या करोगे? सारे हिसाब ही खराब। नहीं सितारे एक्सपायर नहीं होते चप्पू भाई। चलो यार छोड़ो ये, इसको हम चप्पू भाई डर गए। खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो। अजान हो रही है भाई जान, अजान हो रही है। क्या हाल चाल है आपके? क्योंकि जाहिर है जब चप्पू भाई आपके साथ हो आपको इतना तंग कर रहे हैं तो फिर हाल तो पूछने चाहिए आपके। भाई ये डायरेक्टर साहब की तरफ से एक मेल आ गई है। क्या ये एक आपका जो नहीं जनाबे आली जो आप जिसको बोलते हैं जिसपे उल्टी आ जाए नजूमी, हाँ इनको फारिग कर दिया गया। अच्छा मोबाइल साइलेंट नहीं था तो इनको फारिग कर दिया। चप्पू भाई मैं उनके लिए कोई पर्ची इस्तेमाल करूंगा, उनको वापस ले आऊंगा मैं। हाँ आज हम जो है ना अक्सर दादा को बुलाते हैं, दूर से कॉल मिला रहा है। क्या ख्याल है चप्पू भाई, एक और बाजी को बुलाया जाए मेरा ख्याल है। पहले एक बाजी भुगतते थे रोने लग गई थी, वो तो रो पड़ी थी और तो उनको मैंने लॉलीपॉप दिलवाई चॉकलेट दिलवाई जाके फिर चुप हुई हूँ। अच्छा इतनी बड़ी है फिर भी लॉलीपॉप और चॉकलेट पे लॉलीपॉप से चुप हो गई थी। हाँ लॉलीपॉप में चॉकलेट चॉकलेट भी। अच्छा हाँ बड़ी वाली चॉकलेट, चॉकलेट मुझे भी दिलाए ना आप रोके दिखाओ पे। चप्पू भाई मेरे हाथ से निकल जाएगी। चप्पू भाई प्लीज। अच्छा वर्ल्ड कप पे आते हैं, ओके जनाबे आली कैसे आएगा ये वर्ल्ड कप गाड़ी है क्या? जनाबे आली जो चार टीमें फाइनल होनी थी सेमीफाइनल के लिए वो हो गई, सेमीफाइनल के लिए। अच्छा ना भाई वर्ल्ड कप देखें कितनी तेजी से अपने अख्ताम की तरफ, इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल, ओए होए होए सेमीफाइनल भाई, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, बहुत इजीली साउथ अफ्रीका को हरा देगा अफगानिस्तान इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान के लिए बहुत वन साइडेड गेम होगा, मतलब बन गई है गेम, बन गई है भाई फाइनल में पहुंचने की। हां जी दोनों टीमें में सारे अंधेरे में खेल लेंगे, अफगानिस्तान की टीम वाले भी और अफ्रीका वाले भी अंधेरे में खेल लेंगे। अफगानिस्तान की टीम या तो आगे नहीं आती, जब आगे आ रही है तो भाई इतना आगे जाती जा रही है कि बस पाकिस्तानी सब देख रहे हैं। ऐसे ही ना चैंपियंस ट्रॉफी में हम पाकिस्तान जब आगे जा रहा था ना तो कोई सीरियस नहीं ले रहा था, ठीक है यार सेमीफाइनल तो खेलते रहते हैं,
खेल लेंगे, कोई मसला नहीं, फाइनल भी चलो खेल ही लेंगे, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है, बस सबको पता था कोई भी नहीं जीतेगा, पाकिस्तान है जीत जाएगा क्या, कभी जीता ही नहीं था। और बिल्कुल यही हुआ था कि जब कोई सीरियस नहीं ले रहा था, एकदम से हम हेडलाइन का हिस्सा बन गए, टाकरे वाकरे भी नहीं हुए थे, मतलब हुए थे जैसे नॉर्मल पहले होते थे, वो रमजान के दिन थे, और जो उसके बाद मोहम्मद आमिर का स्पेल आया, मैंने समोसे पकोड़े फोड़े थे, और जो फखर अंकल की 100 थी, बुमराह की 9 बॉल थी, और क्या क्या ये तो बताओ, वैसे तब से तो हम इस वर्ल्ड कप के दे रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त फखर जमान आउट हो जाते जो 9 बॉल हो गई थी बाद में, तो क्या होता? कोई बात नहीं, बाबर आजम ने भी 50 मार ली थी, क्या पता वो 100 मार लेते। अच्छा कुछ तो होता, मतलब उस दिन यानी लक साथ थी ना। हाँ, क्योंकि उस भी साथ थी, लक यानी सारा कुदरत का निजाम उस दिन हमारे साथ, बिल्कुल। और मोहम्मद आमिर का क्या स्पेल था यार, बहुत मजे का स्पेल, मैं अभी भी उसकी स्पेल को याद करता हूँ। जितने मोहम्मद आमिर की स्पेल था, MUHAMMED AMIR, यही किया ना आपने, वही फिर एंड में जाके स्लिप हो गए भाई, स्पेलिंग नहीं थी ना, स्पेलिंग रन आउट हो गए, रन आउट। जब वो की जब अपनी होती तब भी हंसते हैं यार, ये इनका पता नहीं क्या मसला है, कमाल है, कमाल है। अच्छा आगे चलते हैं, चप्पू भाई जमाल है, एक बोलो भाई, कमाल है जमाल, लेकिन हमारे यहाँ वबाल है, ये एसन के मुंह पे क्या मलाल है यार, क्या बात है, गजल बनाओगे क्या पूरी, ये क्या हाल है भाई, तलहा का वक्त चल रहा जवाल है, मेरा नाम एहसन इकबाल है, आगे चलते हैं। हमारे साथ फरियाल, हमारे साथ होती है फरियाल, सब मिल गए भाई, सब मिल गए, हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ मिल गए, बहुत मजे की ट्रांसमिशन रही आज की भी, पहले जो ट्रांसमिशन जारी उनकी तरह जीत का जोश एक ट्रेडमार्क बन गया है नई सुबह वेब रेडियो का हमारी इस ट्रांसमिशन के थ्रू। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि 2025 में भी हम अपनी ट्रांसमिशन को शामिल रखें और इसी तरीके से इंजॉय करते रहें। इसी साल के एंड में जो है वो पाकिस्तान के अंदर यानी कराची में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ब्लाइंड क्रिकेट का, कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपने लिस्टर्स के लिए लेकर आए, कुछ अवेयरनेस का सीन हो, कुछ फन हो, क्रिएटिविटी हो, अंधाधुन वर्ल्ड कप, सारी टीमें अंधाधुन खेलेंगी और बहुत मजे का एक वर्ल्ड कप, एक स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान में नहीं कराची में होने जा रहा है सर, यस सर, नहीं 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 नहीं, पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी, कराची के एयरपोर्ट पर आएंगी, कराची में रहेंगी, कराची में खेलेंगी, साहिल समंदर जाएंगी, कराची के कायदे आजम के मजार पर रुकेंगी, ये नवंबर में हो रहा है, हम कोशिश करें 2024, ये मेरी शादी थोड़ी है T20 वर्ल्ड कप है जिसका साल भी अलग डिसाइड होगा, महीना भी अलग डिसाइड होगा। ओ माई गॉड, मुझे नहीं पता, अबे यार चप्पू भाई यार, अच्छा चप्पू भाई बताए पप्पू भाई क्या हाल है, वो कोई एक्सपायर तो नहीं हो गए यार, पप्पू भाई तो बस कसम से लोगों ने जिससे मेरी बिस्ती करना शुरू किया उसने भी मेरी बिस्ती करना शुरू कर दिया यार, तो क्या यार यार पप्पू भाई को मैं समझ सोच रहा हूँ कि मैं एजी को ना सू कर दूँ, सू करें या शू करें या छू करें, गलत है ना यार, एनी से शुरू की थी मेरी बिस्ती, ये पप्पू भाई का क्या हाल है मैं वो पूछ रहा हूँ, तो बता रहा हूँ वो भी बिस्ती करने पे तुल गए मेरी, तेरे पर तो पैसा ही नहीं है वो कह रहा है, अबे वो तो बेइज्जती कर रहे हैं ना, उनके हाल क्या हैं वो तो अलग बात, वो हालों पे हाल है ना बच्चा, मतलब मेरा भाई बीमार हो गया ना मेरी इस तरह की बेइज्जती सुन सुन, अच्छा उसको आपकी बेइज्जती हजम नहीं हुई, ओ माय गॉड, चलें पप्पू भाई को ना जीत के जोश की पूरी टीम का सलाम दीजिएगा, और नजूमी भाई को का बिलखसूस सलाम दीजिएगा, उन्हें डायरेक्टर साहब ने सू कर दिया है ये बता दीजिएगा, यार इनकी मेल आ गई है कुछ जुमला ही नहीं भरा, इनका मेल आता है या इनकी फीमेल आती है ये क्या बात है, इनकी मेल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मेल बोले ना फिर यार, चप्पू भाई आप भी अजीब बंदे यार, अब ऐसी बातें करते हैं, मोंटेसरी में ई मेल होती है, नहीं वही मैं एक एक बात नहीं है, ई और मेल अलग अलग बात है, चप्पू भाई क्या बात है यार, बेहतरीन, चले फिर आज आज लिसनर्स को अल्लाह हाफिज करें ना आप, अल्लाह अरे नहीं वैसे जैसे एंडिंग ग्रीटिंग्स जिसको कहते हैं, मैं कॉल सेंटर में बैठा हूँ, नहीं नहीं कॉल सेंटर को छोड़े, अच्छा भाई यहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स, यहाँ पे लोग ना जलने शुरू हो गए, उनको बुलाया नहीं जाता, आते हैं नहीं वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पता नहीं क्यों ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सर्वर भी नहीं लगा हुआ हमारा, फिर भी डायरेक्टर साहब को ईमेल कर देते हैं कि सर्वर लगाए यहाँ पे पहले, चलो भाई असी होने गए थे परसों वापिस आए मैंने कल चप्पू भाई, हाँ हाँ
भाई कोशिश करेंगे कल आपके लिए स्पेशल सा मैच नहीं हो रहा लेकिन क्या है कल स्पेशल सा प्रोग्राम भाई नहीं नहीं कल स्पेशल सा मैच प्रोग्राम लेके आएंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह तब तक के लिए हमें छुट्टी नहीं दे रहे यार डायरेक्टर साहब कल तो मैच भी नहीं है फिर भी छुट्टी नहीं मिल रही यार भाई इसके रोने धोने शुरू हो गए अब अल्लाह हाफिज़ करें ना बस जी जी तमाम लोग अपना बहुत सारा करें चप्पू भाई मैं रुए दलाल कमेटी का बंदा हूँ आप डायरेक्टर के बंदे हैं ना पैसा नहीं ला रहे हैं रुए दलाल कमेटी का बंदा हूँ अरे चप्पू भाई पैसा बहुत है ना वो जो आप करते हैं वो करें हाँ भाई चलो जी अपना अखबार सारा ख्याल रखें अच्छा अरे 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 ये क्या बोल रहे हैं चले यार बस बस प्रोग्राम तो जारी नहीं दे सकता तो लिसनर्स इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी जिंदगी की जमानत की कोई गारंटी नहीं होती तेरी अबे लंबी क्यों कर रहे हैं आवाज बात तो सुन लो देखो जिंदगी की जमानत की कोई गारंटी नहीं होती देखो इस पे कल तबसरा करेंगे कैसा मैंने जुमला बोला जिंदगी की जमानत की कोई अच्छा बस कर दे फील कर रहे हैं हम तो एंजॉय कर रहे हैं उसको बोलती तो बहरहाल जिंदगी की कोई जमानत नहीं होती इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी साकिब को तो ये जरूर आएंगे मैं तो कल आऊंगा वरना साकिब की बिरयानी में सबको बुला लेंगे नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं बोलते इस पे चप्पू भाई यार आप दे दे मैं अल्लाह चलो यार आप लोगों से माइक के हट के मिलता हूं अल्लाह हाफिज़ कर दे खामोशी सही थी इसके लिए चले लिसनर्स आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा पैसे मेरे पास बहुत है किसी को चाहिए तो मांगना मैं खुदा का वास्ता है पाकिस्तान से जिंदाबाद जिंदाबाद यार नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद